सभी दोस्तों को जय हिंद, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि आप जाने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा वहाँ पे क्या क्या ऑब्स्टिकल होते हैं, कैसे आपको करना है, उनका लाइव डेमो दोस्तों आज आपको देख के बताऊँगा मैं, और किस तरीके से उनको किया जाता है ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। दोस्तों वीडियो होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को देखें लास्ट तक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों आ चुके हैं पीटी ग्राउंड पे, और ये है पीछे पीटी ग्राउंड, यहाँ पे होंगे ऑब्स्टिकल और इनको करने के लिए हमारे साथ है पीटीआई गौरव चौहान। तो दोस्तों चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि ऑब्स्टिकल कैसे कर रहे हैं आपको ट्रेनिंग के दौरान। दोस्तों ये है 9 फीट डिश, जो 9 फीट का गड्ढा है सामने आप देख पा रहे होंगे। तो जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो आपको ऐसा गड्ढा कूदना होगा, लेकिन दोस्तों उसमें जो आप देख पा रहे हैं बीच में यहाँ पे सॉलिड है, तो वहाँ पर भर रखा होगा पानी और थोड़ा गहराई में गड्ढा कर रखा होगा। फिर यहाँ से आपको इस जगह से लेकर वहाँ पर जंप मारनी पड़ेगी, और शर्त ये होगी दोस्तों कि आपके हाथ में राइफल होगी, पोच पिट्ठू पूरा लगा हुआ होगा। तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, बहुत बड़े गलतियाँ लोग कर देते हैं कि एक ही पैर पर जंप करते हैं, और कई लड़के क्या करते हैं इस गड्ढे को देख के पहले यहीं पे अपने पैर जमा देते हैं, और कई लड़के गड्ढे में गिर जाते हैं क्योंकि दोस्तों गड्ढे में भरा होता है पानी और पानी को देख के वो आगे जंप नहीं कर पाते। तो दोस्तों चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको जंप करना है। गौरव चौहान जो पीटीआई है वो दिखाएंगे किस तरीके से आपको गड्ढा कूदा जाता है, और अभी वो खाली हाथ है लेकिन बाद में राइफल पोच पिट्ठू के संग आपको गड्ढा कूदना होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, और मैंने उनको बताया है किस तरीके से गड्ढा, जैसे कि आपको जंप लेनी, और ये जैसे आपने देखा दोनों पैरों पर यहाँ पर रुकना होगा। जैसे देखा आपने कि दोनों पैर टिके थे, इस तरीके से आपको दोनों पैर अपने टेकने हैं और तब आपकी इंजरी से आप बच सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इवेंट में और देखते हैं नेक्स्ट इवेंट क्या है, आपको कैसे उसको पार करना है, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप, और ये पहले भी आपने देखा होगा ये इवेंट जिसे हम कहते हैं क्रॉलिंग ट्रंच। और चलते हैं दोस्तों, तो सेकंड इवेंट है आपका, वहाँ पर मिला लेगा क्लोरिंग टर्न, जैसा आप देख पा रहे हैं इसको आपको पार करना होगा, और शर्त ये होगी कि इस जगह पूरा पानी भरा होगा नीचे। इसको दोस्तों आपको नीचे झुक के करना होगा, क्योंकि यदि आप अपनी पीठ थोड़ा भी उठाएंगे तो इस तारों में जो है आपकी पीठ अटक सकती है, और यहाँ से पूरा घूमते हुए आपको जाना पड़ेगा उसके पार वहाँ तक, इतना दूर तक ये होता है क्रॉलिंग टच। और दोस्तों इसमें पूरा पानी भरा हुआ होता है, अभी ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है इसलिए इसमें पानी इसे नहीं भरा है, लेकिन बाद में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो इसमें पूरा पानी भर रखा होगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आपकी पीठ ऊपर ना हो, और यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा लास्ट तक, बाद में वहाँ पे पानी भर रखा होगा, आपको यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक इसको पार करना होगा। वहाँ पे सिखा दिया जाएगा दोस्तों आपको किस तरीके से रहना है, बस शर्त इसमें यही होती है कि अपनी पीठ आप ऊपर ना करें, नहीं तो इन तारों में आपकी पीठ फंस सकती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इवेंट पर और देखते हैं क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट इवेंट जो है वो है अपना बीम। बीम आपने पहले भी करे होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग में बीम किस तरीके से किए जाते हैं और किस वर्ड ऑफ कमांड में किए जाते हैं। पीटीआई गौरव चौहान है वो करके दिखाएंगे दोस्तों आपको बीम किस तरीके से करना है, और यदि आप घर पर अभी हैं तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अभी से कि किस तरीके से आपको बीम करना है। के पीछे लाइन वन, बीम अंडर की पकड़। दोस्तों तो आपको हाथ पूरा नीचे छोड़ के रखना है, जैसे आप देख पा रहे हैं गौरव चौहान ने किया है इस तरीके से। एक, जब एक जाएंगे तो पूरी आपकी ठुड्डी पार होनी चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसा इस तरीके से आपके बीम कराया जाता है। जीरो, फिर पूरा हाथ एकदम सीधा। दो, जीरो। और दोस्तों देखने वाली बात यह है कि पैर जो है नीचे एकदम सीधे कसे हुए होंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं इनके पैर हैं। तीन, जीरो, बीम छोड़, आराम कर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ट्रेनिंग में कराया जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इवेंट पे, जो है रस्सा। रस्सा आपको चढ़ना पड़ेगा, रस्से होते हैं हमारे 2 फीट के, एक होता है 18 फीट का हॉरिजॉन्टल रोप और एक होता है वर्टिकल रोप। तो दोस्तों दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से रस्सा आपको चढ़ना है, क्योंकि ट्रेनिंग में ऑलमोस्ट रोज़ आपको रस्सा चढ़ना होगा। दोस्तों कैसा तरीका होता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं आप अभी से देख सकते हैं। तो ये है हमारा वर्टिकल रोप, और इसको आपको चढ़ना होगा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 18 फीट का रास्ता होता है, और ऑलमोस्ट ट्रेनिंग में आपको रोज़ दोस्तों ये चढ़ना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको ये चढ़ना होगा। तो दोस्तों रस्सा होता है हमारा 3 प्रकार का, एक होता है फर्स्ट क्लास, एक सेकंड क्लास और एक थर्ड क्लास। तो जितना आप में दम है आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड क्लास थोड़ा इजी होता है, सेकंड क्लास थोड़ा उससे टफ, और फर्स्ट क्लास होता है बहुत ज़्यादा टफ। तो हम देखते हैं गौरव चौहान आपको तीनों रस्सा करके दिखाएंगे कि किस तरीके से किया जाता है। तो वर्ड ऑफ कमांड दोस्तों उस तरीके से होती है कि रस्से के पीछे लाइन बन, ये आपके रस्से के पीछे,
थर्ड क्लास रोप शुरू कर। तो दोस्तों ये है थर्ड क्लास यानी कि इजी वाला। इसमें आप अपने पैर यूँ लगाएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं, इन्होंने पैर लगाए और पैर लगा के ऊपर पैर के सहारे आगे बढ़ते रहेंगे। थंब, यहाँ से हम थंब बोलेंगे, नीचे उतार और यहाँ से ये उतर जाएंगे। तो दोस्तों ये है थर्ड क्लास। इसके बाद हम बोलेंगे यहीं से सेकंड क्लास रोप शुरू कर। तो दोस्तों ये है सेकंड क्लास। इसमें आपके पैर नहीं लगेंगे, सीधा आपको अपनी बॉडी ऊपर खींचते चल जानी है पूरा 18 फीट। थंब डाउन। तो दोस्तों ये होता है सेकंड फीट। अब चलते हैं दोस्तों फर्स्ट क्लास की तरफ। फर्स्ट क्लास रोप शुरू कर। तो दोस्तों पैर आपके बिल्कुल ऐसे रुक जाएंगे बिल्कुल, और ऐसे ही करके आपको पूरा ऊपर चढ़ना होगा अपना फर्स्ट क्लास रोप डाउन। तो दोस्तों ये है कोई रोप आपका फर्स्ट वाला वर्टिकल रोप, और सेकंड है दोस्तों हॉरिजॉन्टल रोप। यहाँ से आपको चढ़ना होगा और यहाँ से पूरा चढ़कर मंकी रोप जिसे हम कहते हैं यहाँ से उतरना होगा मंकी की तरह। तो ये इवेंट सबसे ही टफ होता है। यहाँ से आपको अपना मंकी रोप स्टार्ट करना है चढ़कर, और यहाँ से पूरा आपको अपनी राइफल के साथ लेके वो वहाँ पर एंड तक अपन देख पा रहे होंगे। उसके बाद दोस्तों वहाँ से आपको नीचे उतरना है। तो दोस्तों ये थी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे करनी है। आई थिंक कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी क्या क्या चीज़ें हैं। और दोस्तों स्पेशली मैंने टाइम निकाल के ये वीडियो आपके लिए आज बनाए कि आपको कुछ लगे कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और दोस्तों कैसे करनी है। ये इवेंट दोस्तों आपका बहुत ही संभल के करना है क्योंकि इसमें आपको चोट लग सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।